भाई साहब जंगल में भटक चुके हैं, मोबाइल में सिग्नल नहीं है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, और ये जंगल का रोड है ये गूगल पे भी अपडेट नहीं है, अभी नया रोड बनाया है। तो चलिए देखते हैं भटकने के बाद कहां तक पहुंचा जाता है। भाई साहब ये देखिए एक्सीडेंट, बंदा मर चुका है, खून निकला हुआ है, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब। तो चलिए भाई साहब यहाँ से एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रात का 1:30 बज चुका है, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ न्योम सिटी के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अपनी कंपनी से तो मैं निकल चुका हूँ, और मेरी कंपनी से यम्बू रोड पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता है जहाँ से सभी गाड़ियाँ जाती हैं, जिसको बोलते हैं मक्का मदीना हाईवे, लेकिन उधर इतना ट्रैफिक होता है कि आपको पूरा जद्दा क्रॉस करने में तकरीबन 3 घंटे लग जाएंगे। और एक ये रोड है जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ, अभी तकरीबन पूरा जद्दा क्रॉस हो गया है, थोड़ा बाकी है बस। इस साइड में आप देख सकते हो, ये मेरे राइट साइड में एयरपोर्ट है। मैं आया हूँ बिल्कुल जद्दा शहर के सेंटर से गुजर के आया हूँ, तो इस रोड पे आप दिन में तो आने की सोचने भी मत। हम लोग तो काफ़ी टाइम से जद्दा में रहते हैं, तो हमको मालूम है कि किस टाइम पे किस रोड से जाना है। जद्दा के सेंटर में एक फैक्ट्री है मर्सिडीज़ की, जिसको बोलते हैं जफ्फाली, वहाँ पे मर्सिडीज़ के ट्रक जो है वो असेंबल होते हैं, तो वहाँ लोड करने के लिए हम लोग आते हैं। वहाँ जाने के लिए अपनी कंपनी से रात को निकलते हैं हम, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, तो हमको पूरा मालूम है किस टाइम किस रोड पे कितना ट्रैफिक होता है। तो इसलिए अभी रात के 2:30 बजे हैं, तो जहाँ से मैं निकल के आया हूँ वहाँ ट्रैफिक नहीं था, और रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला है मुझको। 40 मिनट में पूरा जद्दा क्रॉस हो गया है। अगर आप मक्का मदीने हाईवे से यम्बू की तरफ जाओगे जद्दा क्रॉस करने के टाइम, तो जो जद्दा का एयरपोर्ट है वो आपके लेफ्ट साइड में होगा। जिस रोड से मैं जा रहा हूँ, अगर आप जद्दा के सेंटर से गुजर कर यम्बू रोड पर जाओगे, तो जद्दा का एयरपोर्ट आपके राइट हैंड पे होगा। तो ये रोड कुछ ही लोगों को मालूम है जो लोग जद्दा में रहते हैं, बाकी जो लोग दम्माम रियाज में रहते हैं वो इधर आने की सोच भी नहीं सकते। भाई जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ वो मक्के की तरफ से आता है, इधर से जद्दा क्रॉस होके ये रोड यहाँ पे आके इसी में कनेक्ट होता है। आप देख सकते हो ये ट्रेलर सब उसी साइड से आ रहे हैं, इतना ट्रैफिक होता है उधर भाई, बहुत लंबी लाइन है, और मैं आ रहा हूँ उधर से अकेला। तो अभी जद्दा पूरा क्रॉस हो चुका है, ये सामने आ चुका है रहेली का एक पेट्रोल पम्प। तो मैं अभी जद्दा से निकला हूँ और यम्बू रोड पे हूँ, अभी मैं चेक पॉइंट से निकला हूँ जद्दा वाले, और इधर देखिए आप लेफ्ट साइड में कितनी लंबी लाइन है। ये लाइन कम से कम 20 किलोमीटर की है, अभी तक 10 किलोमीटर में क्रॉस कर चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है अभी 10 किलोमीटर आगे तक ये भी मिलने वाली, क्योंकि अभी सुबह के 9:30 बजे हैं, और 9 बजे नो एंट्री छूटती है, इस वजह से ये लाइन अभी इतनी दूर तक है, और ये लाइन रहने वाली है यहाँ तकरीबन 10:30 बजे तक। तो इस रोड पे इतना ट्रैफिक होने की वजह ये है कि जद्दा पोर्ट से यम्बू पोर्ट के लिए रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ आती जाती हैं। एक पोर्ट यम्बू में है और एक इधर राबिक में है, तो जो शिप बाहर से आते हैं दूसरी कंट्री से, तो उसमें जो कंटेनर आता है उस कंटेनर को लेके ये सभी गाड़ियाँ जद्दा आती हैं, और जद्दा से खाली कंटेनर लेके उधर जाती हैं, इसकी वजह से ये लाइन है। भाई साहब ये देखिए एक्सीडेंट, बंदा मर चुका है, खून निकला हुआ है, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब। भाई साहब सुबह सुबह ही एक्सीडेंट मिल गया देखने के लिए यार, बंदा मर चुका है, रोड पे पड़ा हुआ है यार। एक्सीडेंट कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि वो बंदा था रोड को जो रिपेयर करते हैं उस टीम का, वो बंदा था रोड के इस लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे, उधर गड्ढे हैं छोटे छोटे, तो वो उधर उन्होंने अपनी सेफ्टी लगा के वो उन गड्ढों को भर रहे थे, और भाई साहब पीछे से कार आई फुल स्पीड में और उस बंदे को हिट कर दी, और वो बंदा बिल्कुल रोड पे मरा हुआ पड़ा है बस। वो एक बंदा उसको सीने को दबा रहा है, हो सकता है उसको सांस आ जाए, लेकिन भाई साहब उसके बॉडी के बराबर में खून निकला हुआ है, बहुत सारा खून है। पुलिस की गाड़ी बिल्कुल जस्ट ही वहाँ पहुँची है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बंदा या तो इंडियन होगा या बांग्लादेशी होगा, ये पाकिस्तानी होगा। इस तरह की गाड़ी थी उन बंदों के पास में, जाओ पे वो बंदा मरा है। वो रोड पे क्या काम करते हैं, रोड पे जैसे ये सफाई कर रहे हैं, या तो इस तरह की सफाई का काम कर रहा होगा वो, या जो रोड पे गड्ढे हो जाते हैं उन गड्ढों को भरने का काम कर रहा होगा वो भाई। तो
तो पीछे से कार आई और कार ने भाई उसको हिट किया और बंदा रोड पे मरा पड़ा है। उसके बॉडी के बराबर में बहुत सारा खून निकला हुआ है और उसके साथ वाला बंदा उसको सीने को दबा रहा है, बार बार उसको कोशिश कर रहा है कि इसको सांस आ जाए। और मदीना जाने के लिए यहाँ से जाना होगा आपको राइट, और राइट होने के बाद सीधा ये रोड मदीना जाता है। यहाँ से मदीना है तकरीबन 320 किलोमीटर। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ राबिक, जद्दा से 120 किलोमीटर निकलने के बाद ये एक सिटी आती है। तो रेड सी के किनारे बसा ये एक बहुत प्यारा शहर है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा रेसिडेंटल एरिया है, इधर तक देख सकते हो, काफ़ी प्यारी सिटी है। और इसके बराबर में यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले एक नई सिटी बनाई गई है जिसका नाम है अब्दुल्ला सिटी। अगर आप अब्दुल्ला सिटी जाओगे तो आप भूल जाओगे कि ये सऊदी अरब है या फिर यूरोप है। आप देखोगे कि वहाँ सब कुछ चेंज है, सऊदी अरब के जैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत प्यारी सिटी वो बनाई है। तो जद्दा से 200 किलोमीटर निकलने के बाद मुझे इधर अपनी कंपनी की एक गाड़ी ख़राब मिली है। मैंने देखा यार अपनी कंपनी की गाड़ी इधर खड़ी है, क्या मुश्किल है, रुक के देखता हूँ। तो ये फिलिपिनी है भाई, इसका नाम है क्रिस्टोफर। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ तेरी गाड़ी को, तो ये बोलता है कि मैं रात को इधर ही सोया था और अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तो अभी कंपनी को कॉल कर दिए, कंपनी से एक गाड़ी आएगी और वो अपने साथ एक ट्रेलर के ऊपर एक हेड लोड करके लाएगा और इसको इसके नीचे से निकाल के इसको वापस लेके जाएगा, और जो दूसरा लेके आएगा वो इसमें लगाने के बाद फिर ये जाएगा। ये भाई है, तो मैं इसके पास रुका हूँ। मैंने पूछा खाने पीने के लिए कुछ है, तो फिर इसको मैंने पानी दिया है और एप्पल दिया है, इधर रखा है। तो अभी मैं जाता हूँ, ओके परे। ये तो शुक्र है खुदा का कि इसकी गाड़ी जद्दा के नज़दीक ख़राब हुई है। अगर 700-800 किलोमीटर निकलने के बाद ख़राब होती तो इसकी मदद उतनी ही देर से पहुंचती। अभी तो ये है कि शाम तक इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये फिर से आगे का सफ़र पूरा कर सकेगा। इस तरह से अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है खाने की और पानी की। तो खाना तो ये भाई अपनी गाड़ी में बनाता है, इसके पास में सब कुछ है, लेकिन मैंने इसको पानी दे दिया है और एप्पल दे दिया है। मेरे पास में ये दो ही चीज़ थी तो मैंने इसको दे दिया है, तो भाई ने बहुत शुक्रिया बोला है। तो कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है, अपनी कंपनी का है, तो इस तरह हेल्प करनी चाहिए। दो मिनट लग दिया, रुक कर देखना ज़रूर चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बस देखो और हॉर्न मार के निकल जाओ, नहीं, ये गलत बात है। ज़रूर एक बार रुकना चाहिए, हो सकता है और छोटी सी मदद से उसका काम हो जाए। तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे के सफ़र पे। तो इस भाई को मैंने अभी एक आइडिया दिया है, मैंने इसको बोला है कि तेरी गाड़ी स्टार्ट तो होगी नहीं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो तू एक काम कर, तेरे ट्रेलर पे जो ये डंप ट्रक लोड है इसको स्टार्ट कर और इसका एसी चला और आराम से अंदर लेट जा जब तक कंपनी से कोई बंदा नहीं आता है। वो बोलता है ये तो बात तूने ठीक बताई है। तो अपना दिमाग तो भाई इसी तरह से काम करता है। यम्बो पहुंच चुका हूँ, ये चेक पॉइंट की लाइन है। आ जा भाई, तू भी आ जा लाइन में, आगे आ जा, एक एक गाड़ी आ जाओ बस, ज़्यादा नहीं, दूसरा वाला दूसरे के पीछे आओ। यम्बू का चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद ये लेफ्ट साइड में स्केल है और सीधा रास्ता जाता है यम्बू, और यहाँ से आप जाओगे राइट तो अमलज, अलवज, दूबा, न्यूम सिटी। तो हमें जाना है यहाँ से राइट, सीधे हम नहीं जाएंगे। भाई तू क्या बवाल ले जा रहा है, ये दुबई का ट्रेलर है भाई, दुबई से लेके आया है, कुछ फैक्ट्री का सामान है। इस तरह का कोई बड़ा लोड अगर आपको रोड पे मिलता है और उसको ओवरटेक करना हो तो थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये लोड ट्रेलर से बाहर की तरफ निकला होता है। अमलज रोड पे मैं रुका था, इधर कुछ खाने के लिए लाया हूँ, गाड़ी अपनी इधर खड़ी है। काफ़ी बड़ा ये पेट्रोल पंप है, साफ़ सफाई भी अच्छी है। कुछ खाने के लिए लाया हूँ मैं, ये इधर है, इसमें कोल्ड ड्रिंक है, एक शोरमा है और पानी की बोतल है और एक नमकीन है और एक बिस्किट है, रख लेते हैं यार इमरजेंसी के लिए, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। टेम्परेचर हो रहा है 43 सेल्सियस डिग्री। भाई गर्मी इतनी है बाहर की तरफ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप की एक तो तपिश है और हवा इतनी तेज़ है और बिल्कुल हवा गर्म है। अभी इधर ये एक पार्किंग आई है, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं यार, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है,
और धूप भी बहुत तेज है और हवा सामने की इतनी तेज है कि गाड़ी से भी नहीं चला जा रहा ठीक से, कान भी बिल्कुल खराब हो जाने वाले हैं बाहर की इतनी आवाज आ रही है। 2-3 घंटे यहाँ रेस्ट करके चलते हैं। अभी मैं अमलज से निकला हूँ, अभी कस्टमर की कॉल आई थी और उसने बोला है कि आपको न्यूम सिटी नहीं आना है, उसने बोला है कि कंपनी की दूसरी ब्रांच तबुक रोड पे है तो आपको उधर जाना है। फिर उसने लोकेशन सेंड की है तो वो हमने देखा है दुबई से 100 किलोमीटर निकलने के बाद उसकी कंपनी है, उधर जाएंगे अभी हम। लोकेशन मैंने चेक की है तो यहाँ से 400 किलोमीटर है अभी अपना सफ़र, तो कोई बात नहीं रात तक पहुँच जाएंगे हम, तकरीबन उधर 11:30 या 12 बजे तक हम पहुँच जाएंगे अपनी लोकेशन पे और सुबह 8 बजे गाड़ी खाली करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे वापस जद्दा के लिए। 7:20 हो चुकी है और सनसेट हो चुका है, इधर देख सकते हो आप ये लेफ्ट साइड में समुंदर है, तो जिस साइड पे ये सनसेट हो रहा है मुझे लगता है कि ये इधर ये मसर के ऊपर है इस टाइम पे सूरज, मुमकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मसर इसी साइड पे है। यार जब से सुबह से वो एक्सीडेंट देखा है ना, वो बंदा बिल्कुल मैंने नज़दीक से देखा है, रोड पे पड़ा था मरा हुआ बेचारा, कार ने उसको टक्कर लगाई है बहुत ज़ोर से। वो यार जब से ना दिल परेशान है कसम से, ना तो वीडियो बनाने का मन है और सच में मैंने जब से खाने भी नहीं खाया। खाने के लिए होटल पे मैं बैठा तो जैसे ही मैंने खाना शुरू किया तो फिर से उस बंदे का ख्याल मेरे दिमाग में आया, 2 लुक में मैंने खाए और खाना छोड़ के मैं वहाँ से वापस आ गया। यार बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है यार, यार उसके साथ वालों को कैसा लगा होगा, जो उसके बंदे जो साथ में थे यार, उसको बार बार वो सीना दबा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इसको सांस आ जाए। सऊदी अरब में सबसे ज़रूरी काम जो आपको करना है, एक तो आपको रोड क्रॉस करने के टाइम बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है, मोबाइल तो जेब से बाहर निकालना ही नहीं है भाई। अगर आप रोड पे पैदल चल रहे हो, किसी पेट्रोल पंप पे हो या कहीं मार्केट में हो, भाई साहब आप मोबाइल से दूर रहिए। ये जो बंदे सऊदी होते हैं ना, इनका एक हाथ होता है स्टीयरिंग पे और दूसरे हाथ में होता है इनके मोबाइल, ये आगे देखते हैं बस एक बार, काफ़ी दूर तक इनको खाली नज़र आता है और ये गाड़ी स्पीड से चलाए जाते हैं। और जो बंदा रोड पे पैदल चल रहा है ना, उसको तो ये टक्कर मारने की कोशिश करते हैं यार, बिल्कुल नज़दीक से गुजारते हैं उसको डराने के लिए गाड़ी, तो बंदे का ध्यान नहीं होता है यार तो एक्सीडेंट हो ही जाता है। बस सबसे ज़रूरी ये है कि आप मोबाइल से रहिए दूर, अगर आप रोड पे पैदल चल रहे हो तो आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो समझो आप मौत को दावत दे रहे हो। भाई साहब आज का टाइम ऐसा है हर आदमी मोबाइल में बिजी होता है, जो बंदा गाड़ी चला रहा है ना उसका एक हाथ स्टीयरिंग पे होता है और एक हाथ में मोबाइल होता है। अब हाईवे पे कौन ये सोचेगा कि कोई बंदा सामने रोड क्रॉस कर रहा है या किसी भी रोड पे, कार वाला तो स्पीड से जाता है भाई, और एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ नहीं होता है, आपकी जान चली जाती है, इनका कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक हादसा है, तो इसलिए सावधान रहिए भाई साहब। तो भाई जो आदमी रोड की साइड में या किसी पेट्रोल पंप पे या किसी मार्केट में पैदल चल रहा है ना, तो ये सऊदी लोग उसको डराने के लिए ना फुल स्पीड से उसके पास से गाड़ी गुजारते हैं और ये देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा, तो इसलिए आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी भाई साहब। ये लो जी भाई साहब, हम इधर रुकते हैं अभी पार्किंग में और इधर अपनी कंपनी का एक ड्राइवर खड़ा है, वो मेरा वेट कर रहा है, बोलता है दोनों साथ में जाएंगे, और इस भाई का नाम है कमाल और ये है नेपाल से, ये उसका ट्रेलर खड़ा है, इसके पास में भी एक ही डंप ट्रक है, तो अपना गाड़ी आगे खड़ा करता हूँ थोड़ा, फिर इससे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलता है कब जाएगा। तो अभी हम दोनों यहाँ से साथ में निकले हैं, मैं आगे हूँ और वो मेरे पीछे आ रहे हैं, तो अभी चलते हैं हम दोनों साथ साथ में, रात को 12 बजे हम पहुँच जाएंगे लोकेशन पे, उधर ही जाके सो जाएंगे और सुबह 7 बजे उठेंगे, गाड़ी खाली करेंगे और उसके बाद वापस निकलेंगे जद्दा के लिए। छोटे शहरों की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लोग बेवजह रोड पे नहीं आते हैं। अभी देखिए रात के 9 बजे हैं और बिल्कुल पूरा खाली पड़ा है। रियाज, दमाम, जद्दा में जाओ भाई साहब, आफत है यार। भागते भागते भाई साहब हम पहुँच गए हैं अलवज, जहाँ भी निगाह घुमाओगे पूरा एकदम खाली है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है भाई साहब, सिंगल सिंगल कोई कोई कार नज़र आ रही है, माहौल काफ़ी प्यारा है। ये देखिए राउंड अबाउट पे कितना खूबसूरत बनाया है। तो भाई साहब
दूबा से निकलने के बाद ये तबूक रोड स्टार्ट हो चुका है। तो तबूक रोड पे मैं रात को इधर सोया था, और तबूक रोड पे यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो इस चढ़ाई से पहले मैं इधर ही सो गया था। और अभी सुबह के 7 बजे हैं और यहाँ से मैं अब निकलने लगा हूँ। साहब दूबा से निकलने के बाद तबूक रोड पे ये चढ़ाई शुरू हो जाती है पेट्रोल पंप के पास से। ये टोटल चढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये 70 किलोमीटर है। शुरू की जो 40 किलोमीटर की चढ़ाई है वो थोड़ी हल्के हल्के स्टार्ट होती है। अभी शुरू की जो 40 किलोमीटर की चढ़ाई थी वो तो हमने कवर कर ली है क्योंकि वो हल्की हल्की थी, और अभी यहाँ से ये चढ़ाई हो जाती है और भी ज़्यादा ख़तरनाक। भाई आप गाड़ी को चाहे जितना दबा लो, गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं, और गाड़ी को यहाँ दबाना होगा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। आपके पास में अगर पुरानी गाड़ी है तो भाई साहब वो 15 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं सकती, तो यहाँ ज़ोर लगाना बिल्कुल गलत है। आराम से लाइन में लगी और सिलो सिलो जाइए। मेरे पास नई गाड़ी है और मैं ये 34 की स्पीड पे जा रहा हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी को दबाने से, गाड़ी स्पीड ही नहीं पकड़ेगी यार। जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं सब की सब सिलो जा रही हैं, खाली गाड़ी भी स्पीड नहीं पकड़ेगी, और लोड गाड़ी का तो स्पीड पकड़ने का मतलब ही नहीं है। आप देख सकते हो मेरे आगे एक टैंकर जा रहा है, वो भी काफ़ी सिलो सिलो जा रहा है। भाई यहाँ बहुत गाड़ी ओवरहीट हो जाती है और फिर वो खड़ी हो जाती है रोड पे। अभी आप इसको देखिए डंप ट्रक कहाँ पे ख़राब हुआ है, ये टैंकर वाला कुछ ज़्यादा सिलो जा रहा है, तो इससे तो आगे ही निकल जाते हैं हम। यार ये चढ़ाई तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही यार, सच में बहुत टाइम लग चुका है यार चलते चलते। इधर मैं आया हूँ अभी दूसरी बार, तो पक्का तो मुझे आइडिया नहीं है अभी कहाँ जाके ये ख़त्म होगी, लेकिन टोटल जो चढ़ाई है इसकी 70 किलोमीटर की लंबाई है। तो सुकून से बैठे रहिए, बस सिद्धू मूसेवाला के गाने लगा दीजिए और आराम आराम से जाइए। एक तो रोड में अप डाउन होते हैं, गाड़ी एक बार नीचे जाती है उसके बाद फिर ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है, यहाँ सिर्फ गाड़ी आपकी ऊपर की तरफ ही जाएगी, डाउन तो एक बार भी नहीं आया अभी तक। आगे जाके आ जाए तो आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि डाउन भी इस रोड पे होगा, ये सिर्फ रोड पूरा ऊपर की तरफ ही जाता है। तो भाई मेरे आगे जा रही है ये गाड़ी, मिस्र की गाड़ी है, आप देख सकते हो नंबर प्लेट, और इसको ओवरटेक कर लेते हैं क्योंकि भाई सिलो सिलो जा रहा है, इससे भी नहीं चला जा रहा। आराम से बैठा है भाई, वो तो फोन पे लगा है बस। लाइट तो देखिए आप कितनी गहराई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यार सबसे ज़्यादा स्पीड से मैं ही जा रहा हूँ। अभी तक मेरे आगे जो भी गाड़ी आई है मैंने हर एक गाड़ी को ओवरटेक किया। तो ये लो भाई साहब यहाँ एक पार्किंग आई है, जिसके पास पुरानी गाड़ी है ना तो वो यहाँ अपनी गाड़ी को आराम दिला सकते हैं। इधर देखिए जिसकी गाड़ी हीट हो गई है ना तो वो गाड़ी को आराम दिला रहे हैं इधर। भाई लोग यहाँ गाड़ी का आगे से बोनट खोल के उसके बाद चलाते हैं। इस चढ़ाई की ज्यादा लंबाई होने की वजह से ये चढ़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है, और यहाँ से तबूक रह जाता है 110 किलोमीटर। तो यहाँ आने के बाद ये चढ़ाई ख़त्म होती है। तो भाई साहब हमें लग चुका है इस चढ़ाई पे पूरा 1.5 घंटा, तो अब अपनी गाड़ी को सुकून मिला है, अब यहाँ से थोड़ी स्पीड से हम जा सकते हैं। कस्टमर ने हमें यहाँ की लोकेशन दी है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो अभी कस्टमर को कॉल की है तो उसने बताया कि जिस जगह पे ये तो आपको लोड उतारना है वहाँ लोकेशन काम नहीं करेगी, तो उसने हमको रास्ता ऐसे ही समझा दिया है मैसेज में। अभी यहाँ से हम जाएंगे आगे, देखते हैं कहाँ जाके मिलता है, मुझे लगता है कोई जंगल का ही रास्ता होगा। और भाई साहब ये हमारे फ़ोन का डाटा केबल टूट चुका है, ये देखिए यहाँ से ये अलग हो चुका है। तो हुआ क्या है, जिस मोबाइल से मैं शूट करता हूँ वो मैं यहाँ पर रखता हूँ हवा के सामने ताकि मोबाइल हीट ना हो। तो रोड पर एक जगह गड्ढा आया और मेरा ध्यान नहीं था तो फ़ोन यहाँ से नीचे गिरा है, और ये चार्जिंग पर लगा हुआ था तो इसका ये पिन यहाँ से टूट गया है।
तो अभी मैं दूसरा लेकर आया हूँ, देखते हैं ये कैसे चलता है। 15 रियाल का मिला है, अभी देखते हैं चार्जिंग ठीक से करता है या नहीं, नहीं तो जद्दा जाके फिर खरीदेंगे। तो कोई नहीं, यहाँ से अभी चलते हैं हम कस्टमर की लोकेशन पे, जो रास्ता उसने हमको बताया है। तो यार लोकेशन तो उसने दिया नहीं है, इधर लिखा है टेम्परेरी रोड। अभी रोड नया बनाया तो मुझे लगता है कि ये अभी गूगल पे अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ लोकेशन काम नहीं करता है। कोई बात नहीं, यहाँ से राइट चलते हैं, उसने जैसे जैसे बताया है ऐसे जाके देखते हैं अगर पहुँच जाता है तो। यहाँ से सीधा जाने के बाद उसने बोला है कि आगे एक बड़ा सा पहाड़ आएगा और उस पहाड़ के साथ में है डाउन, डाउन से उतरने के बाद राइट साइड में कंपनी का गेट है। चलिए जाकर देखते हैं रास्ता सही है कि गलत है। कहाँ आ गए भाई साहब हम भटकते भटकते, इधर इंटरनेट भी काम नहीं करता है और लोकल कॉल भी नहीं हो सकती, सिग्नल तो है ही नहीं फोन में। चलो यार आगे जाके देखते हैं कोई कंपनी मिलती है तो। भाई साहब ये टेम्परेरी रोड है और हर 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है यार। यही नहीं पता कि कंपनी में पहुंचा कैसे जाएगा, लोकेशन नहीं है यार, इधर सिग्नल भी काम नहीं कर रहा है, फ़ोन भी नहीं कर सकते। इधर तो यार ये चेक पॉइंट आ गया और रास्ता बंद किया हुआ है सेफ्टी वालों ने। चलो इससे ही मालूम करते हैं क्या। भाई इधर ये सिक्योरिटी वाला है, इसने रोक लिया था, ये रास्ता मालूम किया, बोलता है मुझे नहीं मालूम है। इसने हमारी गाड़ी की फ़ोटो ले लिया है और पेपर का फ़ोटो ले लिया है, पूरी डिटेल इसने भर ली है और बोलता है आप आगे जाओ, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप देखो क्या करना है। तो कोई बात नहीं यार अभी जाके देखते हैं आगे। तो भाई उसने बोला था कि 3 नंबर गेट आएगा, तो इधर 3 नंबर गेट आ चुका है और ये निशान दिखा रहा है इधर लेफ्ट, तो अभी हम इधर ही चलते हैं। तो ये देखिए भाई साहब रास्ता है कच्चा और हम जा रहे हैं कच्चे रास्ते पे, इधर ये गाड़ियां खड़ी हैं, शायद यही कंपनी है, चल के देखते हैं यही है कि दूसरी है, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा, भटकना तो ज़रूरी है। जिस गाड़ी को हम लेकर आए हैं ये गाड़ी है हिनो, और इधर भी हिनो खड़ी है, शायद कंपनी यही है। चलिए अभी देखते हैं कोई मिलता है। भाई हम तो कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते किसी बंदे से, तो हमारी गाड़ी को देखने के बाद कोई गाड़ी के पास ही आ जाए तो वो हमारा नसीब है। तो चलिए भाई साहब जिधर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर ही जाकर देखते हैं कोई बंदा मिलता है या नहीं मिलता है। मुझे तो लगता है कि कंपनी तो यही है, जैसे उसने बताया था वहाँ हम पहुँच चुके हैं, तो कोई मिलता है उससे मालूम करते हैं। अभी काफ़ी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, देख सकते हो आप पूरे डंप ट्रक है। तो भाई साहब हम पहुँच चुके हैं अपने ठिकाने पर, यही कंपनी है, यहीं का हमारा लोड है। जब तक आप भटकोगे नहीं तो मंजिल पे पहुंचोगे नहीं, भटके तो हम नहीं है, सीधे सीधे आए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं था कि कंपनी है किस जगह। तो हमने अपने ट्रेलर इधर पार्किंग कर दिए हैं, अभी वो आएगा और गाड़ी को फिर उतारते हैं, शायद ये बंदा है इधर सो रहा है गाड़ी में। भाई साहब एक गाड़ी को तो उतार दिया है, तो चलिए भाई अभी दूसरी गाड़ी को उतारते हैं। उतारना, स्पीड में जाना, डरता क्यों है। तो भाई साहब दोनों गाड़ियां उतार दी हैं और अभी हम यहां से चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, दोनों गाड़ियां इस साइड पे खड़ी की हैं हमने। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और भाई साहब चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, तो आने वाली दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।